यहाँ पर बैठकर वो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति विकास की नहीं हो रही, ये राजनीति नफरत की हो रही है। काम नहीं है ये इंसानियत, ये इंसानियत उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस, वो बीजेपी के लोग वहाँ पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि फसल कहाँ उगाओगे, उन स्मार्ट सिटीज की छतों पर गमलों में सिंचाई का काम करो। का आभार प्रकट करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो जान की अमान चाहता हूँ। जिस तरह के हालात आज बन गए कि संसद में सर कलम करके किसी के कदमों पर रखते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सर कलम करने की बात करते हैं, और इनके मंत्री जो हैं, उनके विधायक जो हैं, उनके सांसद जो हैं, वो खड़े होकर मंचों पर शोक सभा के नाम पर शोक सभा की बात करते हैं, उसमें संवेदना नज़र नहीं आती। बात नज़र आती है बंदूकों की, बात नज़र आती है गोलियों की, बात नज़र आती है, बात कही जाती है लाठियों की, बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे एक मिनट दे रहे हैं, जिस शहर में मैंने मुसलमान को, मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है, और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम। मैं उस हसकसलत का आदमी हूं, मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूं, कोयला वाली बस्ती में, जहां पर लोगों को मैंने उस सिर्फ शरणार्थी रहते थे, वो चलने वाले सरदार को कहते थे सत श्री अकाल, मौलाना भी कहता था और वो हिंदू भी कहता था। लेकिन आज हमारे साथी ने उस तरफ से बोला सिखों की बात करते हैं। आज आप इस देश के, आप इस देश के गृह मंत्री हैं। मैं आप माननीय महोदय कहें तो मैं बैठ जाऊंगा। ये बात आगरा की नहीं है, ये बात उस मोहब्बत के शहर की है जिसको नफरत की प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उस शहर की बात कर रहा हूं, आगरा शहर। मैं बोलता बहुत कम हूं चेयरमैन साहब, मैं कभी कभी बोलने की कोशिश करता हूं, मैं रोज रोज नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बोलता हूं तो यहां से बोलता हूं और मुझे बोलने दिया जाए। मैं आज उस शहर की बात कर रहा हूं जिस शहर के अंदर मामूली लोग सिर्फ इसलिए वहां पर चलते हैं कि मुझे उसके साथ में रोजगार करना है। वो हिंदू की दुकान थी या मुसलमान की दुकान थी, बात ये नहीं है। उस दुकान पे काम करने वाला कौन था? अभी बंद करो। कैसे बंद कर दूं? अब तो खुलने का समय आया, आप कहते हैं बंद कर दूं। ये दुकान नहीं है, ये इंसानियत, ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस, वो बीजेपी के लोग वहां पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, और यहां पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि हम इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति विकास की नहीं हो रही, ये राजनीति नफरत की हो रही है, और नफरत को पालने वाले वो लोग, जिन लोगों को दो बार से अगर सांसद बने हैं और मंत्री बने हैं, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने, वो डिग्री क्या है मुझे नहीं मालूम, वो कहां पढ़े हैं ये भी नहीं मालूम, लेकिन जो जबान वो बोल रहे हैं वो एक अनपढ़ से भी गई गुजरी जबान है, वो इंसान की जबान नहीं बल्कि ऐसे ऐसे शख्स की जबान है। राक्षस कहना छात्रों को अगर ये कहना, आप तो अच्छी नीतियों के बयान दे के आए अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी नीतियों का बयान देकर आए, लेकिन साल भर से इनकी नीतियां ये हैं कि आज किसान जो है अपनी जाने दे रहा है। और अध्यक्ष महोदय अगर वेरीफाई किया, अगर आप कहेंगे बैठ जाऊंगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, ये विषय जो है, समय की गिनती से नहीं है। 40-40 मिनट लोग बोल गए, उनको आपने कुछ नहीं कहा। अगर आपको लगता है कि आपके पास में समय नहीं है तो बैठ जाता हूं, मुझे अलग समय कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए, मैं बोलूंगा, आप तय करें अध्यक्ष महोदय। अगर आपको लगता है, अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मोदी सरकार के अंदर महाराज मोदी जी जरूर लोगों की मदद करते हैं। वो जिस देश में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस व्यक्ति से जाते हैं, अपना रिश्ता निकालते हैं, और वो भी पुराना रिश्ता, और जहां जहां उनका पुराना रिश्ता निकल आता है वो मदद करते हैं, वो चाहे देश हो, प्रदेश हो, व्यक्ति हो। मैडम, और उन्होंने मदद की भी है, गुजरात में की, छत्तीसगढ़ में की, झारखंड में की, हजारों एकड़ जमीन चॉकलेट के भाव में, चॉकलेट के भाव में हजारों एकड़ जमीन। वो क्या है उनका नाम मैं नहीं जानता,
वो क्या नाम है उनका मैं नहीं जानता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा उसका भी। उनको जमीन छत्तीसगढ़ में दी गई, छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन जंगल के जंगल दे दिए गए। और क्यों दिए गए, कुछ तो कारण होगा। नाम उनके बारे में अभी कौन से मेरा ख्याल से कोई है नहीं यहां पर, वित्त मंत्रालय से मैं नाम नहीं जानता उनका। उन्होंने वित्त मंत्रालय ने एक बैंक के चेयरमैन को उनके ठीए पर भेजा कि जाओ इनको 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का जो भी लोन है देके आओ। उनको जाके उनके ठीए पर लोन दिया जा सकता है, लेकिन किसान जो जान दे रहा है उसको जो है ऋण माफी नहीं दी जा सकती, उसको कोई राहत नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो इवेंट सजाने वाला हो, इवेंट सजाकर जो उनका मुखिया हो, उसको आप दे सकते हैं ऋण माफी, उसको आप दे सकते हैं हजारों करोड़ की हिमायत दे कर सकते हैं, लेकिन किसान जो अपनी जान दे रहा है, ये कैसे हैं आप? अध्यक्ष महोदय, जरा पूछिए बताइए कैसे हैं आप? ये आप एक अजीब फिनोमेना बन गया है, इधर एक ये आप हैं, इधर वो एक आप हैं। एक ऐसे आप, इन अ मेडन स्पीच काइंडली प्लीज, इन अ मेडन स्पीच नो इंटरप्शन प्लीज। हेलो, एक्सक्यूज मी, दिस इज अ मेडन स्पीच, नो इंटरप्शन। नो इंटरप्शन। अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब मैं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, सी, इट इज अ कन्वेंशन दैट देर आर नो इंटरप्शन ड्यूरिंग अ मेडन स्पीच, काइंडली प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज प्रोसीड। अध्यक्ष महोदय, जितना इंटरप्शन होगा उतने वक्त मिलेगा, मुझे अच्छी बात है। क्योंकि मुझे तो बोलने के लिए वक्त चाहिए, मैंने आपसे कहा। माय कंसर्न। अध्यक्ष महोदय, अगर इनको किसी भी बात की चिंता है, सरकार इनकी है, जहां जहां भी जिस प्रदेश में उनका नाम लिया गया है, जिनके कह रहे हैं उनको दी गई, इनको दी गई, आपके पास में किताबें हैं, वही हैं। इस गुंबद के बाहर एक और गुंबदें हैं, इधर हाई कोर्ट है, उधर सुप्रीम कोर्ट है, उन गुंबदों में जाके पता करवा लें, फैसले करें, क्यों नहीं करते? सरकारें आपकी हैं भाई, खाते आपके पास में हैं, खसरा खतौनियां आपके पास में हैं, निकालिए ना। ऐसे नाम ले देने से, किसी के ऊपर टिप्पणी कर देने से कि उसको दे दी, इसको दे दी, इन चीजों अगर दे दी तो पता करके बताइए ना, आप बताइए। देखिए अध्यक्ष महोदय, इस बात को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रिश्तों के साथ में